हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ कि हम कैसे अलार्म साउंड को डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है मोबाइल सेटिंग पर। तो हम यहाँ पर मोबाइल सेटिंग पर चलते हैं। तो गाइस, आपके यहाँ पे मोबाइल सेटिंग का आइकन मिल जाता है, जिसको हम क्या करेंगे, पहले ओपन, और आपको यहाँ पे मोटोरोला का फ़ोन दिया गया है। तो गाइस, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे जाना है साउंड और वाइब्रेट पे, और आपको यहाँ पे साउंड और वाइब्रेट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको मैं ओपन कर लेता हूँ। गाइस, ओपन होने हो जाने के बाद आपको गाइस नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है अलार्म साउंड, जिसको हम ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे आपको नीचे कर देना है। यहाँ पे जो नाउ के नीचे जो साउंड होती है वो आपकी डिफ़ॉल्ट होती है। तो गाइस, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ऐस में ओके कर लेता हूँ। तो आपका ये डिफ़ॉल्ट हो चुका है अलार्म रिंगटोन। तो गाइस, यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है, और अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।